हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक गाइनारिस इंजेक्शन है इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, जिसके अंदर साल्ट आता है बुसरेलिन एसीटेट। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए और किस तरीके से इसको लगाने की विधि है, किस तरह के पशुओं को लगाना चाहिए और कौन से पशुओं में इसके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से आज आपको गाइनारिस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि गाइनारिस इंजेक्शन के बारे में बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बना करके दें। वैसे यदि आपको GPG प्रोटोकॉल व अदर देखना है तो उसमें भी इसके बारे में बताया गया, वो मेरी चैनल पर वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, स्किप करके मैं देखना पूरा देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो इंजेक्शन आता है गाइनारिस, ये एक इंटास कंपनी का है, जिसके अंदर साल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये इंजेक्शन उन पशुओं को दिया जाता है जिन पशुओं के अंतर्गत ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं बन पाता, या आपने देखा होगा कि आप अपने पशुओं की कई बार बहुत बार आप AI करवा लेते हैं, आपका जो पशु चिकित्सक AI वर्कर है वो कहता है कि सीमन भी अच्छा है और आपके पशु में इस तरह की कोई दिक्कत भी आपके पशु में नहीं दिख रही है, फिर भी आपका पशु AI या नेचुरल गर्भाधान आपका पशु नहीं मान पाता। यानी कहने का मतलब है कि आपके पशुओं में बच्चेदानी व गर्भाशय में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपके पशुओं में नहीं है, तो आप उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी डोज लगानी चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को, जिस तरह से यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है तो हीट में लाने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से यदि जो इंजेक्शन लगाते हैं उनकी कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। और एक ये बताना चाहता हूँ कि मोटी माटा बाता में कि ये आपके पशुओं के गर्भधारण को की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आपका पशु गर्भिन ठहर जाए इसके चांस आपके पशु में ज़्यादा दिलाता है, ताकि आपके पशु में रिपीट होने के चांस न हो। क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, आप AI व नेचुरल तो करवा लेते हैं लेकिन आपके पशुओं का ओव्यूलेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाता है। जब तक ओव्यूलेशन सही नहीं होगा या उनकी कंसेप्शन रेट हाई नहीं होगी तो आपका पशु ठहर नहीं पाएगा, आपका पशु बार बार रिपीट होगा। तो एक पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिन पशुओं के अंतर्गत, सबसे पहले उन पशुओं के लिए जिन पशुओं के अंदर यदि आप AI या नेचुरल गर्भाधान करवाते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उन पशुओं को आप ये जो गाइनारिस इंजेक्शन है इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत डोज रहेगी आपके लिए 2.5 ml। 2.5 ml से ज़्यादा यदि आप ओव्यूलेशन के लिए या जिन पशुओं में आप उसकी AI व नेचुरल गर्भाधान करवाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा न लगाएं। बहुत इस तरह के कॉल भी आते हैं कि सर हमने 5 ml इंजेक्शन लगाया और उसके बाद में हमने AI व नेचुरल भी करवाया, फिर भी हमारा पशु, देखो 5 ml लगाने का मतलब है उसको हाई डोज देना यदि आप AI व नेचुरल करवाना चाहते हैं तो। ओव्यूलेशन के लिए 2.5 ml है, 2.5 ml इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 6 घंटे बाद में आप उसकी AI या नेचुरल गर्भाधान करवाएं, ये इंजेक्शन लगाने के 6 घंटे बाद। यदि आप साथ में भी करवाना चाहते हैं, यदि आप कहीं, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक नहीं है या कोई वेटरिनेरियन नहीं है, तो आप ये इंजेक्शन जब AI व नेचुरल करवा रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि और आपके पास नज़दीक है तो आप उसके 6 घंटे बाद में आप ज़रूर उसकी AI बनी शुरू करवाएं, वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह ये तो है आपके पशु में जब AI बनी शुरू करवाते हैं, ये क्या करता है कि आपके पशुओं के ओव्यूलेशन व कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है। एक बार वो रिपीट करूँ, इसी तरह से यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है, आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आता है, या आपने देखा होगा कि आपका पशु जो डिस्चार्ज है वह नॉर्मल दे देता है, थोड़े से तांते से दिखा देता है और आपका पशु फिर बोलता नहीं है, हीट में नहीं आता, प्रॉपर हीट में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको उस पशु की, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसकी आपको एक
हीट मिलाने के लिए, या यदि आपका पशु हीट में नहीं आता, एन स्ट्रेस साइकिल या आपके पशु की प्रॉपर साइकिल आने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है, तो आपको उसको रेक्टल पाल्पेशन करना है। एक रेक्टल पाल्पेशन यदि आप करेंगे और उसके बाद में इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको उस पशु को कम से कम 10 से दिन तक देखना है कि 10-12 दिन तक यदि आपका पशु प्रॉपर हीट में आता है या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो 10 दिन बाद में आप ये इंजेक्शन 5 ml, इसमें हीट मिलाने के लिए डोज होती है उसमें 5 ml, तो 5 ml आपको फिर रिपीट करना है। ये आप समझ गए होंगे, 5 ml आप 10 दिन बाद में रिपीट करेंगे तो आपका पशु ज़रूर प्रॉपर हीट में आएगा। यदि आप उस पशु को अच्छी मात्रा में जो मिनरल मिक्सर या अदर जो यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं साथ में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपके पशुओं का ओवुलेशन अच्छी तरह से होगा और जब भी हीट में आता है तो आप उस पशु की यही वही निःशुल्क गर्भाधान करवा लें, बहुत ही अच्छा होगा। साथ साथ ये क्या है कि जो जिनमें ओवुलेशन देरी से होता है, कई बार होता है कि जो एआई वाई नेचुरल तो पहले करवा लेते हैं और उसमें ओवुलेशन या अंडे उस पशु के बाद में निकलते हैं या डिलेड जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, तो उसमें आपको ये 2.5 ml का प्रयोग करना है जो मैंने बताया है। ये तो है गाय भैंस के लिए। इसी तरह से यदि आपके घोड़ी के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत है तो घोड़ी के अंतर्गत आपको ये जो इंजेक्शन है ये 5 ml आपको लगा देना है, या कोई सिस्ट बना हुआ या अदर दिक्कत है तो उसके अंतर्गत 10 ml आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करना है और उसके 24 घंटे बाद में आप 5 ml इंजेक्शन और लगाना है घोड़ियों के अंदर भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद में यदि 5 ml 24 घंटे बाद में लगा दिया और फिर यदि आपका पशु जो घोड़ी हीट में नहीं आती है तो 10 से 12 दिन बाद में आपको यही प्रक्रिया जो मैंने बताई है, इस तरह से आप 5 से 10 ml लेकर के और फिर 24 घंटे बाद में 5 ml फिर हीट में आ जाती है तो उसका क्रॉस करवा देना है। ये तो है इसकी प्रक्रिया। देखो और पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। रही बात इसको जो आपका साइड इफेक्ट, यदि आपका जो प्रेग्नेंट पशु है तो प्रेग्नेंट पशुओं को आप कभी भी इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग न करें, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपका पशु जिनको गर्भधारण ठहराने के लिए, गैबिन ठहराने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और रही बात ये इंजेक्शन 2.5 ml 5 ml और 10 ml के अंतर्गत ये उपलब्ध होता है, और इस इंजेक्शन को जो दूध देने वाले पशु हैं उनको लगा देते हैं तो दूध पर भी इतना आपको जिस प्रकार से है इतना आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में, हालांकि इस हार्मोन के बारे में यदि मैं आपको पूरी GPG प्रोटोकॉल या GPG हार्मोन GNRH हार्मोन के बारे में जाऊँगा तो जो पशुपालक है उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आज लगाने की विधि यही है कि आप इसे इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, सबकट भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट इंट्रावेनस भी आप नस के अंदर भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है। यानी तीनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट मिल के मेरी वीडियो को जितना हो सकता आप जितने वेटरनरी स्टेंट हैं उनके साथ और पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। मेरे नए चैनल हैं उनको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल में अभी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही सटीक जानकारी आपको वेटरनरी से संबंधित किसी भी तरह के इंजेक्शन दवाइयों के बारे में समय समय पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।